नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी इस दुनिया में न जाने कितने रहस्यमयी स्थान और कितनी रहस्यमयी चीजें मौजूद हैं, लेकिन इन रहस्यमयी चीजों के साथ कुछ ऐसी शापित चीजें भी मौजूद हैं जिनके रहस्य इतने ज्यादा डरावने हैं कि उनमें से कई को तो किसी म्यूजियम में लॉक करके कहीं रखा गया है और उनको छूने तक की इजाजत नहीं है किसी को। आज हम आपको कुछ ऐसी ही 10 शापित चीजों के बारे में बताएंगे जिनके रहस्य को सुनकर आपको डर भी लग सकता है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं पूरा तो तभी देखिएगा, अगर आपका दिल कमजोर ना हो, क्योंकि आज की वीडियो किसी के लिए डिप्रेशन वाली भी हो सकती है। तो कृपया करके अगर किसी को इन सब चीजों से डर लगता है या वह डिप्रेशन फील करता है इन सब चीजों की वजह से, तो कृपया करके यहीं रुक जाइए, आगे ना बढ़िए। इस वीडियो को कृपया वही देखे जो इन सब चीजों के बारे में जानना चाहता है और उसको डर महसूस नहीं होता। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो को बनाने में, बहुत ज्यादा टाइम जाता है रिसर्च करने में, इसलिए प्लीज हमारी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर करिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा। चलिए अब करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो की। नंबर 10, रॉबर्ट गुड़िया। ये गुड़िया फ्लोरिडा में रहने वाले बच्चे रॉबर्ट यूजीन ऑटो को सन 1906 में उसके नौकर ने दी थी। बताया जाता है वह नौकर काला जादू जानता था और उस बच्चे की फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उस नौकर ने आपसी रंजिश के चलते उस डॉल पर काला जादू कर उस लड़के को दिया। घर के आसपास रहने वाले लोगों का भी कहना था कि उन्होंने भी इस लड़के को गुड़िया से बात करते हुए देखा है और वह गुड़िया भी इस बच्चे से बात करती थी। यही नहीं, कई लोगों ने उस गुड़िया को घर के अंदर घूमते हुए भी देखा था जब उस घर में कोई नहीं होता था। अक्सर उस बच्चे रॉबर्ट यूजीन का कमरा उथल पुथल पाया जाता था और जब रॉबर्ट अपने माँ बाप को यह कहता था कि उस गुड़िया ने कमरे में सब कुछ उथल पुथल किया है तो उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता था। ऐसी ही डरावनी घटनाएं लगातार होने के कारण रॉबर्ट के माँ बाप ने उस गुड़िया को एक बॉक्स में डालकर घर के एक कोने में रख दिया। सन 1974 में रॉबर्ट की मृत्यु हो जाने के बाद इस घर को एक दूसरी फैमिली ने खरीद लिया और उस फैमिली की छोटी बच्ची को यह गुड़िया मिली। एक बार फिर से घर के अंदर वही डरावनी घटनाएं शुरू होने लगी। उस बच्ची ने बताया यह गुड़िया जिंदा है और उस बच्ची को जान से मारना चाहती है। इन घटनाओं से डरकर उस बच्ची के पेरेंट्स ने उसे फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टिन म्यूजियम में दे दिया, लेकिन यहां भी गुड़िया की डरावनी हरकतों का सिलसिला बना रहा। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस गुड़िया की इजाजत के बिना इसकी फोटो खींचता है उस व्यक्ति को यह गुड़िया शाप दे देती है और उस व्यक्ति के जीवन में अजीब घटनाओं का आगमन हो जाता है। नंबर 9, द हैंड रेसिस्ट हिम पेंटिंग। सन 2000 में किसी अज्ञात व्यक्ति ने ईवे नामक वेबसाइट पर इस रहस्यमयी पेंटिंग को बेचने के लिए पब्लिश किया। इस पेंटिंग में एक छोटे से बच्चे को अपनी बदसूरत सी गुड़िया के साथ एक खिड़की के पास खड़ा दिखाया गया है और खिड़की के पीछे से कुछ हाथ भी नजर आते हैं, जिसके कारण इस पेंटिंग को द हैंड रेसिस्ट हिम के नाम से जाना जाता है। पेंटिंग को कैलिफोर्निया के एक कपल ने खरीदा था और कुछ दिन बाद कपल ने दावा किया कि रात के समय पेंटिंग के पात्र कमरे में घूमते हुए नजर आते हैं। कभी कभी तो पेंटिंग में दर्शाया गया बच्चा पेंटिंग से गायब हो जाता है। जो भी इस पेंटिंग को गौर से देखता था वह कुछ देर बाद ही बीमार महसूस करने लगता था। एक व्यक्ति ने यह दावा किया कि उसने इस पेंटिंग का प्रिंटआउट लेने की कोशिश की तो उसके प्रिंटर ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन जब उसने किसी और फोटो का प्रिंटआउट निकाला तो उस आदमी का प्रिंटर बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। इस पेंटिंग में कितनी सच्चाई है यह अब तक नहीं पता चल पाया है, कोई भी एक्सपर्ट इसका सच नहीं जान सका है। नंबर 8, जेम्स डीन कार। जेम्स डीन का जन्म सन 1931 में हुआ था और वह अपने समय के मशहूर एक्टर थे। उनके पास एक पोस्ट फाइटर 550 कार थी जिसे वह प्यार से लिटिल बस्टर्ड भी कहते थे। सन 1955 में आई सुपरहिट मूवी स्टार वॉर्स के एक्टर एलेक गिनेस ने डीन की कार में बैठने के बाद कहा था
कि कार में बैठने के बाद उनको कुछ अजीब सा एहसास हुआ है और उन्होंने डीन से कहा, मैं तो इस कार में घबराहट के कारण एक पल भी नहीं बैठ पाया। अगर तुम इस कार को ऐसे ही चलाते रहे तो जल्द ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। ठीक 7 दिन बाद डीन की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और उनकी कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उस टूटी हुई कार को बाद में जॉर्ज बेरीस नाम के एक व्यक्ति ने ले लिया। जॉर्ज बेरीस उस कार को अपने गैरेज में ले गया और वहां काम करते समय यह कार एक वर्कर के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से उस वर्कर की मौके पर ही मौत हो गई। इस टूटी हुई कार के इंजन और ट्रांसमिशन को रोए मैकहेनरी और विलिस एसिस नाम के 2 लोगों ने खरीद लिया और फिर एक रेस के दौरान इन दोनों लोगों की भी मौत हो गई। जिन लोगों ने इस कार को या इस कार के किसी भी पार्ट को अपने पास रखा, उनकी मौत हो गई। 7, ब्लू होप डायमंड नेकलेस। इस डायमंड को गोलकोंडा डायमंड भी कहा जाता है, जिसकी खोज 1673 में की गई थी। हालांकि मिलने के बाद से ही यह बहुत बदल गया है और भारत से चलकर इसने पूरी दुनिया की सैर कर ली है। हर बार अपने मालिक के साथ इस हीरे ने कुछ ऐसा कर दिया कि इसका नाम दुनिया के सबसे श्रापित हीरो में शुमार हो गया। क्या है कार्टियर ब्लू होप डायमंड नेकलेस की कहानी? इसकी कहानी 1600 की सदी में शुरू हुई, जब फ्रेंच जेम मर्चेंट जीन बैप्टाइस्ड टेवर्नियर को यह हीरा भारत की एक खदान से मिला। यह हीरा आंध्र प्रदेश के गुंटूर की कोल्लूर खदान में था। उस वक्त इस इलाके को गोलकोंडा कहा जाता था, इसलिए इस हीरे का नाम गोलकोंडा डायमंड भी है। लोक कथाओं में यह भी शुमार है कि इस फ्रेंच मर्चेंट ने यह हीरा किसी मूर्ति से चुराया था। यह हीरा उस मूर्ति की आंख के तौर पर लगा हुआ था और इसके बारे में पता चलते ही एक पुजारी ने हीरे से एक श्राप को जोड़ दिया, जिस किसी के पास भी हीरा आएगा उसका विनाश होगा। इसके बाद ही उस फ्रेंच मर्चेंट को बुखार चढ़ा और उसकी मौत हो गई। इतिहासकार रिचर्ड कुरिन और उनके अलावा कुछ रिपोर्ट्स मानती हैं कि इस हीरे को किंग लुईस 14th को बेच दिया गया था। हालांकि इस हीरे के साथ भारत से लाए और भी कई हीरे किंग लुईस को बेचे गए थे। नोवल द फ्रेंच ब्लू में जेमोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन रिचर्ड डब्लू ने लिखा है कि इस हीरे को बेचने के लिए उस फ्रेंच मर्चेंट को पेटेंट ऑफ नोबेलिटी भी दिया गया था। हालांकि इस हीरे को फ्रेंच रॉयल परिवार में रखा गया और इसे कुछ राजाओं ने पहना, लेकिन 1792 तक उस परिवार में कुछ ना कुछ होता रहा। 1792 में लुईस 14th के परिवार को बंदी बना लिया गया। फ्रेंच राज परिवार में चोरी भी हुई और उसमें फ्रेंच ब्लू डायमंड को चुरा लिया गया, लेकिन तब तक लुईस 14th और उनके परिवार के कई सदस्यों का सिर कलम करवा दिया गया था। इतिहास में इस डायमंड को धीरे धीरे श्रापित कहना शुरू कर दिया गया और 1910 में जब तक यह फ्रेंच ज्वेलर पियरे कार्टियर के पास आया, तब तक इसकी ख्याति बढ़ चुकी थी। पियरे कार्टियर फ्रांकोएस कार्टियर के पोते थे, जिन्होंने कार्टियर ज्वेलरी की स्थापना की थी। उन्होंने इस हीरे को नाम दिया ब्लू होप डायमंड। इसके बाद अमेरिकन सोशियलाइट इवलिन ने इसे $180,000 में खरीदा, जो आज की डेट में $5 मिलियन के बराबर होगा। उस वक्त इवलिन अपनी हर पार्टी और ट्रिप पर इस हीरे को पहनती थी। ऐसा माना जाता है कि वह हीरे को छुपा दिया करती थी और लोगों से उसे ढूंढने को कहती थी, और इस खेल को फाइंड द होप नाम दिया जाता था। उन्होंने चर्च में जाकर इस हीरे के लिए प्रार्थना भी करवाई थी और उसी समय बिजली गिरी थी, लेकिन इवलिन डरी नहीं और वह मजाक में कहा करती थी कि उनके लिए अनलकी चीजें भी लकी हो जाती हैं। हालांकि कुछ समय बाद इवलिन का 9 साल का बेटा एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। उसके बाद उनका अपने पति से तलाक हो गया, क्योंकि उनका किसी और के साथ अफेयर था। इसके बाद इवलिन को कई बार घाटा भी लगा, लेकिन आर्थिक तंगी में भी उन्होंने इस हीरे को नहीं छोड़ा। साल 1946 में उनकी बेटी की ड्रग ओवरडोज से मौत हो गई और उसके बाद भी इवलिन ने इस हीरे को नहीं छोड़ा। हालांकि 1947 में निमोनिया के कारण इवलिन की मौत हो गई और उन्होंने अंतिम क्षण तक इस हीरे को पहने रखा। अपनी विल में इस हीरे को उन्होंने अपने परिवार को दिया था, जिसके बाद इसे बेच दिया गया। अब कहां है ब्लू होप डायमंड? अब ब्लू होप डायमंड स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन में वॉशिंगटन DC में मौजूद है। ये म्यूजियम का अहम हिस्सा है और हर किसी को इसकी कहानी के बारे में बताया जाता है। 6,
हॉन्टेड मोबाइल नंबर। 10 साल से चल रहा है ये सिलसिला। आज तक इस नंबर को जिसने भी इस्तेमाल किया वो जिंदा नहीं बचा, मौत ने उसे गले लगा लिया। इस मोबाइल नंबर का जिस शख्स ने भी इस्तेमाल किया उसकी मौत हो गई। ये सिलसिला कुछ दिनों से नहीं बल्कि पिछले 10 साल से चल रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस खौफनाक मोबाइल नंबर को लेकर काफी शोरगुल है। 3 बार हो चुकी है घटना। दरअसल ये घटना एक बार नहीं बल्कि 3 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। इस नंबर को अभी तक 3 लोगों ने खरीदा है और 3ों की मौत हो गई। ये घटना बुल्गारिया की है। बता दें कि सबसे पहले इस नंबर को मोबीटेल कंपनी के सीईओ ने खरीदा था। कंपनी के सीईओ व्लादिमीर गेसनोव ने इस मोबाइल नंबर को सबसे पहले खुद के लिए जारी करवाया था। कुछ दिन बाद ही व्लादिमीर गेसनोव को कैंसर हो गया और साल 2001 में उनकी मौत हो गई। लेकिन कहते हैं कि कैंसर से मौत होने की अफवाह उनके दुश्मनों ने फैलाई थी, जबकि मौत का कारण कुछ और ही था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये मोबाइल नंबर उनकी जान का दुश्मन बना। सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद इस मोबाइल नंबर को डिमित्रोव नाम के एक कुख्यात ड्रग डीलर ने लिया। इसके बाद डिमित्रोव को वर्ष 2003 में एक रशियन माफिया ने मार दिया। डिमित्रोव का ड्रग कारोबार 500 मिलियन का था। मौत के समय यह नंबर डिमित्रोव के पास ही था। इसके बाद भी यह मौत का सिलसिला बंद नहीं हुआ। डिमित्रोव की मौत के बाद यह नंबर बुल्गारिया के एक व्यापारी डिस्लिव ने खरीदा। नंबर लेने के कुछ ही दिन बाद डिस्लिव को वर्ष 2005 में बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में मार दिया गया। डिस्लिव एक कोकीन ट्रैफिकिंग ऑपरेशन भी चलाता था। इस तरह से इस भूतिया नंबर ने एक के बाद एक कर 3 मौतें हुई। हालांकि 3 मौत हो जाने के बाद इस नंबर को साल 2005 में सस्पेंड कर दिया गया। नंबर 5, द कर्स्ड चेयर ऑफ डेथ। यह बात 1702 की है। थर्शक इंग्लैंड में थॉमस बिजवी नाम का एक कातिल था जिसे अपने फादर इन लॉ की हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई। फांसी से पहले अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करते हुए बिजवी ने कहा कि वह थर्शक के अपने फेवरेट पब की फेवरेट चेयर पर बैठकर एक आखिरी बार खाना चाहता है। अपना खाना खत्म करने के बाद वह खड़ा हुआ और बोला, उसकी मौत तय है जो मेरी कुर्सी पर बैठने की कोशिश करेगा, और तब से यह कुर्सी शापित हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रॉयल एयर फोर्स के 2 पायलट उस पब में आए और उस कुर्सी पर बैठने की जरूरत की, और पब से निकलने की कुछ ही दूरी पर उनके ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और दोनों ही पायलट की मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही जो भी सैनिक या अन्य कोई भी आदमी जो इस कुर्सी पर बैठता था वह कभी घर वापस नहीं लौटता था। लगातार होती मौतों के कारण पब के मालिक ने इस कुर्सी को पब के गोदाम में रखवा दिया। लेकिन यहां भी इस कुर्सी के शाप ने लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। एक बार गोदाम में कुछ सामान रखता हुआ वर्कर उस कुर्सी पर बैठ गया और 1 घंटे के बाद ही उस वर्कर की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस घटना के बाद पब के मालिक ने इस मनहूस कुर्सी को एक म्यूजियम में दान कर दिया और म्यूजियम में इस कुर्सी को 5 फीट की ऊंचाई पर रख दिया गया ताकि कोई भी व्यक्ति गलती से भी इस कुर्सी पर ना बैठे। नंबर 4, पीस ऑफ उलुरू रॉक। ऑस्ट्रेलिया के इस पर्वत के आसपास आदिवासियों की आत्माएं भटकती हैं, इसलिए स्थानीय लोग यहां जाने से कतराते हैं। यहां कुछ लोगों ने जाने की कोशिश की थी, जिनमें से कुछ बीमार तो कुछ की मौत हो गई। इस पर्वत को भी शापित माना जाता है। नंबर 3, द कर्स्ड मिरर। वर्ष 1796 में संयुक्त राज्य अमेरिका के लुइसियाना में जनरल डेविड ब्रैडफोर्ड द्वारा एक आलीशान संपत्ति का निर्माण किया गया था। इस ऐतिहासिक घर में वुड्रफ परिवार रहता था जो बहुत ही शानदार जीवन का अनुभव करने में लगा हुआ था। इसके अलावा उनके पास काम करने के लिए कई गुलाम थे, जिनमें से एक क्लो थी जो क्लार्क और सारा वुड्रफ की गुलाम थी। क्लो घर के अंदर काम करती थी और हमेशा घर के अंदर काम करना चाहती थी, क्योंकि खेतों में काम करने में बहुत मेहनत और परेशानी होती है। इस परिवार के बारे में कई अफवाहें मौजूद थीं, जैसे क्लार्क वुड्रफ का महिला दासियों के साथ संबंध था या उसने क्लो पर अपनी रखैल बनने के लिए दबाव डाला था, लेकिन वास्तव में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कहा जाता है कि एक रात क्लो को पता चला कि क्लार्क का खेतों में काम करने वाली एक अन्य दास लड़की के साथ संबंध था। उसे डर था कि अब उसे अन्य दासों के साथ खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया जाएगा, क्योंकि उस महिला दास को
जल्द ही घरेलू जिम्मेदारियां दी जाएंगी। परिणाम स्वरूप क्लो उन दोनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहती थी और इसका इस्तेमाल खुद को घर में रहने के योग्य साबित करने के लिए करना चाहती थी। इसलिए वह गुप्त रूप से उनकी गतिविधियों पर नजर रखने लगी और उनके बारे में समाचार जानने के लिए की होल्स में सुनने लगी। लेकिन क्लार्क ने उसे ऐसा करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और सजा के तौर पर उसने उसका एक कान काट दिया। नतीजतन उसने बदला लेने के लिए केक में जहर मिला दिया, लेकिन क्लार्क की जगह उसकी पत्नी सारा और दो बेटियों ने केक खा लिया, जिसे खाकर उन दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद अन्य दासों को डर था कि संघ द्वारा उन पर हत्या का आरोप लगाया जाएगा और क्लार्क वुडरफ द्वारा सजा से बचने के लिए उन्होंने उस रात क्लो को बिस्तर से खींच लिया, उसे फांसी दे दी और फिर उसके शरीर को नदी में फेंक दिया। आज यह जगह अमेरिका के सबसे भुतहा घरों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा माना जाता है कि घर में स्थित दर्पण पर सारा वुडरफ और उनके दो बच्चों की आत्माएं हैं। ऐसा माना जाता है कि रात के समय इन तीनों की झलक शीशे में ऐसी दिखती है मानो उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उसमें कैद हो गई हों। नंबर दो, बेकर्स वेडिंग ड्रेस। यूएसए के अल्टूना में बेकर मैंशन नाम की एक जगह है। लोगों का कहना है कि इस घर में एक लड़की वेडिंग ड्रेस में घूमती दिखाई देती है। इस लड़की ने अपने प्रेमी की याद में तड़प तड़प कर जान दे दी थी। हम इस नंबर दो की जो कहानी है इसको थोड़ा सीक्रेट सा रखते हैं। ये जो कहानी है वह बहुत ही ज्यादा रोमांचक है और बहुत ही ज्यादा दिल को छूने वाली है। इसके लिए आप हमें कमेंट करके बताना, हम आपके लिए इस पर एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे इसकी पूरी कहानी की। सच में आपको ये कहानी सुनकर किसी फिल्म की तरह लगेगी, लेकिन ये सच्ची कहानी है। नंबर एक, एनाबेल डॉल। आपने इस पहले नंबर वाली चीज का नाम बहुत बार सुना होगा, इस पर तो बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई है, बहुत सारी वीडियोस बन रखी हैं इस पर। हालांकि जो मूवीज है वह बहुत ज्यादा एक काल्पनिक हो जाती है, लेकिन उनका जो डर है उन मूवीज में, जो डर है उनकी प्रेरणा इस असल की डॉल से ली गई है, इस डॉल की रहस्यमयी कहानियां से ली गई हैं। ऑकल्ट म्यूजियम में रखी ये डॉल भी शापित है। लोगों का कहना है कि इस गुड़िया में एक 7 साल की लड़की एनाबेल हिगिन्स की आत्मा का वास है। पहले ये जिसके पास भी रही उसके साथ अजीबो गरीब घटनाएं घटित हो चुकी हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो अवश्य ही आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं इस वीडियो का फेवरेट पार्ट। और जाने से पहले, हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।